इस पेड़ का अंग्रेजी में नाम है बाहुनिया पर्पिया। इसके अंग्रेजी में कई और सामान्य नाम भी हैं। इसको ऑर्किड ट्री या कैमल्स फुट ट्री भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम कचनार है। यहाँ पर आपको एक एवेन्यू दिखाई दे रहा है जिसमें कचनार के पेड़ लगे हैं। मराठी में इसको कांचन कहते हैं। स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्लिनिस ने इस जेनिस को बाहुनिया नाम दिया। ये नाम था दो स्विस बॉटनिस्ट भाइयों के नाम के ऊपर। एक का नाम था काल बाहुन, दूसरे का नाम था गैस्पर्ड बाहुन। तो दोनों भाइयों के नाम पे, क्योंकि इसकी पत्ती भी बिल्कुल ऐसा लगता है दो पत्ती आपस में जुड़ी हों, बाई-लोब्ड लीफ, बिल्कुल तितली जैसी इसकी पत्ती है, तभी इसका एक दूसरा नाम है बटरफ्लाई ट्री। ये एक मध्यम ऊंचाई का पेड़ होता है और इसका जो क्राउन है ऊपर का वो बहुत ही सघन होता है और इसके अंदर बड़े ही खूबसूरत नाजुक बिल्कुल पर्पल नीले गुलाबी रंग के फूल होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल ऑर्किड जैसे। तभी इस पेड़ का एक अन्य नाम है ऑर्किड ट्री। अब ये आपको यहाँ पर इस कांचन कचनार की फलियाँ दिखाई दे रही हैं जो शुरू में हरी होती हैं और कुछ उम्र दराज होने के बाद में भूरी हो जाती हैं और फटने के बाद में ट्विस्ट कर जाती हैं। यहाँ अंदर आपको इस उनके बीज दिखाई दे रहे हैं। The fruits of the purple bahunia are green pods when fresh, but as they age, the pods become brown, they split and they twist. Here you can see the seeds inside the pods.